यामूर कुरहान, हम उसे कलाम का फूल बुलाते हैं, 18 साल की उम्र में घर छोड़कर चली गई थी। उसने अपना नाम बदल लिया, अपने लिए फैमिली से दूर एक नई जिंदगी शुरू कर दी। उसने कहा था कि उसके बाबा जब तक ये काम नहीं छोड़ देंगे वो घर वापस नहीं आएगी। ठीक हो जाएंगे इंशाल्लाह, अल्लाह मालिक है, हमें दुआ करनी चाहिए। सुनकर बहुत अफसोस हुआ मुझे। हाँ मेरे दोस्त, तुम्हें बिल्कुल सही कहा। बेटा बहुत अफसोस हुआ, बहुत अफसोस हुआ बेटा। यामूर, बाबा, 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 यामूर, बाबा, यामूर संभालो खुद को। बाबा, बाबा, मुझे मिलना बाबा से, छोड़ो मुझे, संभालो यामूर, छोड़ दो। निसा आंटी, शेख की बेटी, जज की बीवी और केनान भाई की अम्मी, सालों से ना तो अपने घर का दरवाजा खोला ना अपनी बेटी से बात की। आप सब लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? हाँ अहमद, बेटी को क्या काम देकर आए हो? क्या पूरे हफ्ते किचन में बैठ के वो ब्रेड खाएगा? फादिक, तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम भी अपनी बेटी को छोड़कर आ गई? ऐसा लग रहा है कि जैसे पूरा अतमाचा का मोहल्ला यहाँ उठकर आ गया है। चलिए अब आप सब लोग अपने अपने कामों पे चलिए। निशा आंटी, हम कहीं नहीं जाएंगे, हम केनान भाई का इंतजार करेंगे यहीं। तो फिर आप लोग घर पे इंतजार कीजिए, वहां से दुआएं कीजिए। यहाँ रह के दुआएं ज्यादा पुरअसर नहीं होंगी, उसका इंतजार यहाँ पे सिर्फ हम करेंगे, बस हमारी फैमिली। चलिए मैं तुम लोगों के लिए कुछ लाई हूं। तुम यहां क्यों हो? उन्होंने कहा सिर्फ फैमिली। क्योंकि किसी को तो जिम्मेदार बेटा बनकर देखना होगा ना यहां पर। तुम लोग लड़ाई ना करो, इधर आ जाओ, मैं तुम लोगों के लिए कुछ लाई हूं। नहीं ये नहीं है। हाँ? अरे दादी फिक्र नहीं करो, उसे कुछ नहीं होगा। हम यहां तुम्हारे बाबा के इंतकाल का अफसोस करने नहीं आए हैं, फिर से एक फैमिली बनने आए हैं हम। क्या कर रही हो? हम यहाँ खेल रहे हैं। मैं तो बस उसे बचा रही हूँ। तुम खेल का हिस्सा नहीं हो तो हो कौन? ये अम्मी है मेरी, है मुझे बचाने आई है। नहीं, अगर खेलेंगी तो मेरी अम्मी होंगी। मैं किसी की अम्मी नहीं बनना चाहती हूँ। तुम यहाँ से कहीं नहीं जाओगी, तुम एक अजनबी हो। दूर हटो मुझसे।
ठीक से बोलो, तुम्हारी अम्मी कहाँ है? तुम्हारी अम्मी कहीं तुम्हें छोड़ के तो नहीं चली गई? तुम्हें फेंक दिया उन्होंने। यामो उसको कुछ कहो ना, उसने मुझे मारा और गाली भी दी है। तुमने मुझे क्या कहा? यामो तुम इसके साथ है मेरे। मुझे अकेला छोड़ दो, मैं छोटी हूँ, मैं किसी की अम्मी नहीं बनना चाहती हूँ। मैं भी खेलूंगी तुम लोगों के साथ आज, आ जाओ। मैं भी उस बुढ़े पेड़ की तरह एक बुढ़ी औरत हूँ। और ये रहे फल, तोड़ लो, तोड़ लो इनको। आओ बच्चों, तोड़ो तोड़ो। हाय, तुम्हारे लिए हैं ये बंदर। तुम लोग जानते हो मेरी शाख पे फल के अलावा और मेरे पास क्या है? चिड़िया हैं, उनमें से एक तुम्हारी अम्मी है। वैसे वो यहाँ से कभी नहीं गई, वो यही है। क्या हमें देखती हैं वो? हाँ हाँ बिल्कुल, हमेशा दिखती हैं। क्या कहती हैं? मैं सुन नहीं पा रही हूँ। कहती हैं थोड़ा पास आओ पेड़ के। बंदर, जब किसी ऐसे की याद आए जिससे तुम बहुत मोहब्बत करते हो तो बच्चों तुम उस पेड़ की छांव में आ जाया करना, ठीक? और अपनी फैमिली को याद करना। तुम बिल्कुल भी नहीं बदली। क्या मतलब बचपन से? जब आखिरी बार देखा था अपने बाल कटवा लिए, लेकिन अभी भी आंखों पर आते हैं। अभी तक उसी तरह करती हो तुम, गुस्सा आने पर। अच्छा ठीक है, नहीं बदली हूं मैं, लेकिन शायद तुम बहुत बदल गए हो। क्या वाकई? हाँ बिल्कुल। वो क्या? तुम्हारे बाल। अभी उसी बार्बर के पास जाता हूं मैं। और ये तुम्हारे कपड़े? आज तक उसी दुकान से लेता हूं मैं। और ये परफ्यूम? परफ्यूम भी वही है। और सुनो, तुम्हें याद है ना बचपन में मैंने तुम्हारे हाथ पर एक टैटू बनाया था, वो अभी भी तुम्हारे हाथ पर होगा। लगता है अब वो नहीं है, तुम बदल गए हो। अपना हाथ दिखाओ। यामुर, तुम तो बहुत खूबसूरत हो गई हो, लेकिन तुम्हें कोई काम नहीं है क्या? हाँ जरूरी काम है। इतना जरूरी क्या काम है? यामुर, खुशी यह है कि तुम वापस आ गई। लगता है तुम शायद भूल गई यहाँ काम कैसे होता है। हम चलते हैं। टेकिन मत जाओ। कहाँ है वो? मिला आपको वो कहीं? नहीं, हर जगह हमारे आदमी हैं। कहाँ भागेगा, यहीं कई मोहल्ले में छुपा हुआ होगा। ढूंढकर होगा क्या? ढूंढकर तुम अपना काम पूरा करोगे टेकिन। उसके आगे पीछे कोई और था? एक बहन है उसकी, इजमीर में। पहले आत्माजा में रहती थी ये। अच्छा, इस्तेमाल करो इसे। पहुंच गई हूं, पासपोर्ट दिखा के आ रही हूं। एडिस अबाबा, मैं बता रही हूं कि मैं एडिस अबाबा जा रही हूं, प्लीज जल्दी कीजिए। सॉरी मैम, आप लेट हैं, ये बैग आप प्लेन में नहीं ले जा सकती। अरे
मेरा मतलब वहाँ का खाना बहुत अच्छा है ना। एक्चुअली मैं टूर गाइड हूँ और प्लेन में चढ़ चुके हैं। माफ करिएगा, मैं कुछ नहीं कर सकती। अच्छा तो आप एक काम करें, इसको खोए हुए सामान में दे दीजिएगा, ठीक है? क्या बिना बैग के ट्रेवल करेंगी? हाँ हाँ सही है सही, आ रही हूँ मैं, बस आ रही हूँ। अल्लाह करे कि आप कुछ एक्स्ट्रा कपड़े रख के लाई हो। अच्छा हेलो, पायलट से कहिएगा मेरा इंतजार करें। हाँ कुछ बिजी हूँ, कॉल करती हूँ मैं तुम्हें। सदफ कॉल मत कट करना, मुझे जरूरी बात करनी है। क्या हुआ, तुम्हारी आवाज ऐसी क्यों हो रही है? बताओ ना मुझे क्या हुआ है, डराओ मत मुझे। अभी मैं वो कहने वाला था कि मुझे कुछ कहिए, मुझे प्यार से हंसाइए। तुम ठीक तो हो ना? कुछ करिए ना अभी, क्या आप मेरे लिए गाना गा सकती हैं? ओफो एंगेज, मैं फोन रख रही हूँ, ठीक है? ठीक है अभी। चैंपियन ना भी हो तो, ट्रॉफीज तुम्हारे पास ना भी हो तो, ला 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 ना भी करो तो। तुम्हें गाना इसलिए थोड़ी सुनाया है कि तुम रोने लगो। हाँ प्यार करते हैं क्या कर लोगे, प्यार करते हैं क्या कर लोगे। सुन लिया, अब तो खुश हो जाओ। शुक्रिया आप ही। जानते तो हो मेरा यही काम है। सुनो तुम ठीक तो हो ना? अब बहुत अच्छा फील कर रहा हूँ आप ही। कुछ हुआ है तो बताओ प्लीज मुझे। देखो अगर कुछ हुआ भी है तो कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं सब ठीक कर लूंगी। जी ठीक है, अब मैं रखता हूँ। ये लीजिए। क्या है ना कि सबके बीच में गाना मुझे अच्छा लगता है, रोक नहीं पाती मैं खुद को। एंगिन, मुझे माफ कर दीजिएगा सर। एंगिन, अलविदा किनान सर। क्यों बेटा, ऐसा क्यों किया? मैंने नहीं किया। मेरे बेटे तुम्हें ढूंढकर मौत के घाट उतार देंगे, तुम्हें नहीं पता वो लोग तुम्हारा कुत्ते की तरह शिकार करेंगे। मेरा यकीन कीजिए किनान सर। फिर किसने किया? कौन है वहां? कौन है तुम्हारे पीछे? बताओ मुझे कौन है? कौन है वहां? कौन है? मेरे पापा। यामुर, आपके आंगन का फूल अब घर वापस आ गया है। अब मैं तुम्हें क्या बोलूंगा, यामुर या आजरा? सुल्तान बुलाओ मुझे। अल्लाह तेरा शुक्र है। इधर आओ। हाँ
हेलो, अब बेहतर है तबीयत? मुबारक हो किनान सर, उठ गए हैं। शुक्र है अल्लाह का, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि वो ठीक हो गए। अल्लाह ने करम किया कि वो जिंदा है। बच गए केनान भाई, बच गया। जज का बेटा ठीक हो गया। खुशखबरी, जज का बेटा ठीक हो गया। केनान भाई ठीक हो गए। खुशखबरी सबके लिए, केनान भाई ठीक हो गए। जज का बेटा ठीक हो गया। ये लो चाय, विदाउट शुगर है ये। शुक्रिया। अदनान, चाहो तो तुम भी मेरे साथ। कहाँ जा रहे हैं यूनुस भाई? तुम्हारे बाबा को देखने। बाबा आराम कर रहे हैं, इसलिए कोई नहीं मिल सकता उनसे। हम भी तो उन्हीं की फैमिली हैं। मैं संजीदा हूं। यामुर देखो, अगर यहां रहोगी तो अपने बाबा को कंफ्यूज मत करो, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझ गई ना तुम? क्या मतलब है आपका? सेगन डिजाइन वाले ये जानते हैं कि तुम कौन हो, अजरा? क्या? जब तुम्हारे ऑफिस के लोगों को तुम्हारे बाबा का पता लगेगा तब क्या होगा? क्या आप मुझे धमकी देने की कोशिश कर रहे हैं? यहाँ बुरा आदमी मैं नहीं हूँ, तुम्हारी फैमिली को लेकर मुझ पर भी कुछ जिम्मेदारियां हैं। यहाँ पर मौजूद लोगों में सबसे बुरे तुम हो यूनुस ऑफिसर। मैं पुलिस ऑफिसर था, ये मत भूलो। कैसे ऑफिसर थे ये जानती हूँ, भूली नहीं हूँ मैं। देखो, हंटर यूनुस बुलाते थे तुम्हें, जानते हो क्यों? क्योंकि तुम थाने में लोगों को हंटर मारा करते थे उस वक्त पर। तुम उस वक्त से आज तक बिल्कुल नहीं बदले हो यूनुस। जानते हो कि मैं क्यों गई थी? क्योंकि जो तुम्हारी आंखों में है वही मुझे बाबा की आंखों में भी दिखा। वो ताकत है बेटा, ताकत। तो इसका मतलब एक ताकतवर दुश्मन मिल गया है, क्योंकि मैंने अपनी जिंदगी बदल दी, अपना नाम बदल दिया, पर एक चीज नहीं बदली। जानते भी हो क्या है वो? आंखों में देखो मेरी। मैं बताती हूँ वहां मैंने क्या देखा। मैं जो चाहूं करूं, मैं अपने बाप की बेटी हूँ। एक बात अच्छे तरीके से अपने दिमाग में बिठा लो कि किसी से भी नहीं डरती मैं, बिल्कुल बाबा की तरह। तुमने यूनुस भाई को रोक दिया, तेकिन का क्या करोगी? तेकिन आखिर बाबा के पास क्या कर रहा है यामुर? अब अपना काम करने गया है, उसे ढूंढने जिसने बाबा को मारा। ढूंढकर क्या लगता है क्या करेगा वो? बस रोक दीजिए, मैं यहीं उतरूंगी। अंजी बहुत शुक्रिया। पानी मिल सकता है क्या? शुक्रिया। कितनी बुरी बात है, किसी को गोली मार दी ना यहाँ? जब गोली चली थी तो क्या आप यहीं पे थे? किसको मारा है? क्या मसला है आपके साथ? यहाँ किसी को गोली मारी है, टीवी पे देखा था मैंने। पता नहीं। यहाँ कोई हादसा हुआ है, किसी को गोली लगी थी, आपने देखा?
नाम क्या है तुम्हारा? मेरा नाम फतेह है, पर यहाँ सब मुझे माचिस बुलाते हैं, लेकिन मैं किसी की बात का बुरा नहीं मानता। समझ गई, माचिस। तुमने कल का मामला जरूर देखा होगा, बताओ मुझे क्या हुआ था? एक आदमी नदी के किनारे बैठा था और उसको किसी ने गोली मार दी। सुनो मेरी बात, अच्छी तरह जानती हूँ, चाय वालों को दुनिया जहान की खबर होती है, समझे? चलो सच सच बताओ मुझे क्या हुआ था। हाथ मत पकड़ो मेरा, अगर मुझे गुस्सा आ गया तो ठीक नहीं होगा। अगर मुझे गुस्सा आ गया तो जानते हो क्या होगा? तुम्हें नहीं मालूम ये? तुम जाकर अपना काम करो, और सुनिए आप भी अपने काम पर जाइए। अरे तुम किसको धमका रहे हो? हाँ मैं यहीं की हूँ। तुम्हें डरा रहा हूँ मैं। रुक जाओ, माफी मांगो इनसे। माफ करिएगा मुझे, यहाँ आजकल सबका मूड खराब है, माफ करिएगा मुझे अगर कोई बात बुरी लगी है। क्यों, किसको गोली मारी है? कैनान बाबा को, कैनान कुरहान। कैनान कुरहान जानती हूं मैं, जब हम छोटे थे तो अम्मी की मतलब एक दुकान थी। सदफ की दुकान? हाँ बिल्कुल, मगर हम छोटे थे उस वक्त। कैनान अपनी अम्मी के साथ आता था, बहुत अच्छी थी वो, हमारी बहुत मदद करती थी। वो और एंगिन तब से एक दूसरे को जानते हैं, बस यही बात है। हाँ इसी वजह से हम समझ नहीं पाए, एंगिन बात करने आया था, उसका कोई मसला था, कैनान बाबा उसकी मदद करने वाले थे, उन्होंने सोचा मोहल्ले का लड़का है इसलिए। बचपन में ऐसा कहते थे, लेकिन मैं अब भी ऐसा ही बोलती हूँ, लेकिन मैं समझ नहीं पा रही कि उसने ऐसा क्यों किया, वो बहुत ही मासूम बच्चा है। आप उससे मिली हैं? क्या मुझे बता सकती हैं वो कहाँ होगा? कैनान बाबा को बहुत प्यार करते हैं सब, पूरा मोहल्ला परेशान हो गया है उनकी ऐसी हालत देखकर। मेरी बात को समझने की कोशिश करें, उनकी जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है। क्या मतलब? आप तो जानती हैं मोहल्ले वालों ने अगर उसे देखा तो वो उसे पुलिस के हवाले कर देंगे और उसकी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी, लेकिन अगर हमें मिल गया तो उसे सुकून से बिठाकर हम बात कर सकेंगे उससे और वजह पता चल जाएगी। वैसे आप कौन हैं? आप एंगिन की बहन है ना? मैं कैनान बाबा के बेटे जैसा हूं, हम मेरा मतलब आप और मैं। असल में एंगिन ने मुझे कॉल की थी, वो जब भी उदास होता था तो मैं उसे हंसाती थी, और इस बार भी वैसा ही हुआ, पर जैसे ही। जैसे क्या? जैसे जैसे उसके अंदर कोई मैसेज था। मैं हमेशा हौसला अफजाई करती हूँ, मतलब पहली बार वहां किया था। कहाँ? उस पर भरोसा मत करना। कहे ना वहां थी? आप कोई जगह बता रही थी? बिल्कुल याद नहीं आ रही, भूल गई मैं। हाँ सच में वो, मैं किनान साहब से मिलना चाहती हूँ अगर पॉसिबल हो तो। अगर वो बच सके। क्या बहुत बुरी कंडीशन में है? उन्हें दो गोलियां लगी हैं मेरी आंखों के सामने। कहाँ जाना है आपी? अत्माचा हिल पर चलो। अब तो वहां कोई नहीं जाता, पहले आप जाती थी क्या? हाँ खेलती थी अपने भाई के साथ वहां। एंगिन तुम यहाँ बैठे हो, तुम्हें हर कोई ढूंढ रहा है। बता दिया क्या? बिल्कुल नहीं, ये हमारी खास जगह है। मेरे मुंह पर लगी थी बॉल, जानबूझकर बॉल थोड़ी फेंकी थी, बॉल फेंकते हुए तुम्हारी तरफ आ गई थी, तुम तो गोल कीपर हो ना मेरे भाई। मैं उदास हूँ, सब मुझ पर हंस रहे थे। उदास मत हो तुम, मैं तुम्हें हंसा दूंगी। चैंपियन ना भी हो तो, ट्रॉफीज तुम्हारे पास ना भी हो तो, ला 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 ना भी करो तो। मोहब्बत करते हैं क्या कहना है, 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 मोहब्बत करते हैं क्या कहना है। कहाँ हो तुम, किस मसले में फंस गए हो तुम इस बार? आपा एंगिन,
क्या किया है तुमने? हाँ अभी मैं प्लीज कह दो कि तुमने कुछ नहीं किया। चलो बात करते हैं, मैं बात करती हूँ, अच्छे लोग लगते हैं वो। मैंने किया है, देखिए मेरी बात सुनिए, जैसा आपको लग रहा है वैसा बिल्कुल भी नहीं है। आप क्यों आई, आपको नहीं आना चाहिए था। तुम ये क्या कह रहे हो? किनान को गोली मारती, पागल हो गए हो क्या? वो तुम्हारे पहले वाले किनान भाई नहीं रहे, समझ रही हो ना? इस बात का क्या मतलब? आपको रिवाज का नहीं पता क्या? कैसा रिवाज? किनान भाई है उसके ऊपर, हर मसले का हल निकाल लेते हैं, पर हाथ मिलाकर नहीं। जो उनके रास्ते के बीच आया उन्होंने उसका सर काट दिया। एंगिन क्या कह रहे हो, वो आदमी सालों से जेल में था। हाँ, तो वहीं बैठकर पूरा सिस्टम चला रहा था। ऐसा नहीं हो सकता। कैसे नहीं, देखा नहीं क्या, पूरा मोहल्ला उनके लिए काम करता है। उनकी अपनी अदालत है जो कानून की अदालत से अलग है, और ये लोग सब खुद ही अपने फैसले करते हैं, और जो उनके फैसले को नहीं मानता उसे वो गोली मार देते हैं। एंगिन, एंगिन सुनो मेरी जान, प्लीज क्या कह रहे हो, तुम डरो नहीं, कुछ भी नहीं होगा, सब ठीक हो जाएगा। कहा है ना, सब संभाल लूंगी मैं। क्या आप मुझ पर भरोसा नहीं करती? फिर उसने कैसे मुझे ढूंढ लिया है? खुद को बचाइए आप ही, आप मेरी फिक्र नहीं कीजिए। एंगिन, आप ही मुझे हर कोई ढूंढ रहा है, अब मैं पहले जैसा नहीं हूँ। एंगिन रुको, इधर आओ, एक मिनट रुको, रुको प्लीज, एक मिनट के लिए रुक जाओ। हट जाए आप। मैंने कहा है रुको, मेरी बात तो सुनो, रुको रुको। देखा वो आपकी वजह से भाग गया। ये क्या कर रही हो तुम? हिफाजत कर रही हूं अपने भाई की। किससे? हम ऐसा क्या करेंगे जो तुम उसे बचा रही हो? किनान कुरान और उनके रस्म और रिवाज से। कैसी रिवाज? वही रिवाज जिसपे आप सर काट देते हैं। आपके भाई ने आपको बेवकूफ बनाया है। रिवाज, सर काटना, सीक्रेट मीटिंग, ये सब कहानियां हैं। बेवकूफ बना दिया उसने आपको। ये कैनान बाबा की गलती है कि वो मासूम लोगों की हिफाजत करते हैं। बिल्कुल मेरे बाबा की तरह। हाँ बिल्कुल। इस कहानी में बुरे लोग हम नहीं हैं मैडम। मैं तुम पे क्यों भरोसा करूं? जो जिन मैंने देखा अगर वो तुम भी देखती तो भरोसा हो जाता। तो बताओ इस कहानी में बुरा आदमी कौन है? कोई भी डॉक्टर और नर्स मेरे पास नहीं आ रहे, क्या मुझसे इतना ज्यादा डरते हैं ये लोग? नहीं बाबा, डॉक्टर आपसे नहीं डरते हैं, वो यामूर से डरते हैं। उसने सबको मना किया है अंदर आने के लिए। लेकिन कहां है? उस आदमी के पीछे गया है। ऐसे मत देखिए बाबा, मैंने कहा था सब बदल गया है। अब देखो, एंगिन को ढूंढकर सबसे पहले तुम मुझे बताओगे, मेरी इजाजत के बगैर तुम उसे कुछ नहीं करोगे, समझे? अदनान। ठीक है बाबा। क्या हुआ, डॉक्टर को बुलाऊं क्या? ठीक हो? रुके, मैं डॉक्टर को बुला। क्या उम्र? अम्मी आई थी क्या यहां? नहीं गई, वो बाहर बैठी है, बस आपके पास नहीं आई। किरण बाबा आपसे मिलने को आया है। इस वक्त इनसे सिर्फ फैमिली मिल सकती है, ठीक है? सदाफ, क्या आप एक दूसरे को जानते हैं? पहले तो तुम छोटी सी थी। इतनी भी छोटी नहीं थी। बहुत बदल गई हो, लेकिन एक चीज बिल्कुल नहीं बदली। क्या?
तुम्हारी आंखें हमेशा से काली है लेकिन फिर भी रंगीन लगती है। माफ कीजिए, मैंने आपको पहचाना नहीं। सदफ मुझे गोली मारने वाले की बहन है। क्या बाबा? कुछ देर के लिए हमें किला छोड़ दो, जाओ।